हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मून इन नाइन्थ हाउस, चंद्रमा कुंडली के नवे घर या नवे भाव में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, लेसन की शुरुआत करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। जैसा मैं अपने हर लेसन में बताता हूं, अपने हर एस्ट्रोलॉजी वीडियो में बताता हूं, वो ये कि यहाँ पर मैं चंद्रमा के जो भी फल बताऊं, जो भी परिणाम बताऊं, उसके अनुपात पर पहुंचने से पहले उसकी डिग्री देख लें। यदि चंद्रमा की डिग्री 10 से लेकर 20 तक है तो ही वो अपने ज्यादा फल दे पाएंगे। यदि चंद्रमा की डिग्री 10 से नीचे 20 के ऊपर है तो उनके फलों में क्रमशः कमी आएगी, तो डिग्री देख लें। अगली बात दोस्तों ये कि चंद्रमा की एक दृष्टि होती है, चंद्रमा जहाँ बैठते हैं वहां से अपने सातवें घर को भी देखते हैं, अर्थात सातवें घर को भी प्रभावित करते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि दृष्टि क्या होती है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाए, फर्स्ट वीडियोज देखे, आपको एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी। अगली बात दोस्तों आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इस प्रकार के वीडियोज होते हैं, इस प्रकार के लेख होते हैं जहां पर सिर्फ एक ग्रह की बात की जा रही हो, चाहे आप मेरे वीडियो देखें, चाहे कहीं और देखें, कहीं और पढ़ें, जहां पर सिर्फ एक ग्रह की बात की जा रही है, वो बेहद सामान्य स्तर पर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ग्रह की बात की जा रही है। हो सकता है कि आपकी कुंडली के नवे भाव में चंद्र के साथ साथ कोई और ग्रह भी बैठे हों, किसी और ग्रह का भी प्रभाव हो, किसी और ग्रह की भी दृष्टि हो, आपको कोई और ग्रह की महादशा चल रही हो, तो यहां पर जो मैं परिणाम बताने जा रहा हूं उनमें जरूर कमी पेशी हो सकती है। लेकिन यदि आपको चंद्रमा की महादशा या अंतदशा चल रही है, तब मैं यहां पर जो परिणाम बताने जा रहा हूं वो सटीक आपके ऊपर बैठने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने एक सामान्य बात की, अब बात करते हैं कि चंद्रमा नाइन्थ हाउस में बैठेंगे तो अपने कैसे और क्या फल देंगे। चलिए दोस्तों यहां पर हम जान लेते हैं कि चंद्रमा किन नंबर्स या किन राशियों के साथ अपनी महादशा या अंतदशा में अच्छे फल देंगे और किन नंबर्स या किन राशियों के साथ अपनी महादशा या अंतदशा में खराब फल देंगे। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम अच्छे फलों की चर्चा करते हैं। चंद्रमा यदि नवे घर में नाइन्थ हाउस में तीन नंबर या फिर मिथुन राशि के साथ हो तो बहुत अच्छे फल देंगे। चार नंबर या फिर कर्क राशि, जो चंद्रमा की खुद की राशि है, उसके साथ भी चंद्रमा अपने बहुत अच्छे फल देंगे। नौ नंबर या फिर धनु राशि और बारह नंबर या फिर मेन राशि, यदि इन नंबर से इन राशियों के साथ चंद्रमा नवे घर में नाइन्थ हाउस में बैठे हैं तो अपनी महादशा अंतदशा में बहुत अच्छा फल जातक को देंगे। लेकिन इसके अलावा जो राशियां बच गई, यदि उन राशियों के साथ या उन नंबर्स के साथ चंद्रमा बैठे हैं नवे घर में तो अपने खराब फल देंगे। कौन कौन सी राशियां बच गई? एक नंबर या फिर मेष राशि, दो नंबर या फिर वृषभ राशि, पांच नंबर या फिर सिंह राशि, छह नंबर या फिर कन्या राशि, सात नंबर या फिर तुला राशि, आठ नंबर या फिर वृश्चिक राशि, दस नंबर या फिर मकर राशि और ग्यारह नंबर या फिर कुंभ राशि। इन नंबर्स या इन राशियों के साथ चंद्रमा अपनी महादशा अंतदशा में खराब फल देंगे। दोस्तों एक बात जान लीजिए, चंद्रमा यदि दो नंबर या फिर वृषभ राशि के साथ बैठे हैं तो यहाँ पर उच्च के माने जाते हैं, तो यहाँ पर अपने अच्छे फल नहीं देंगे। यदि कोई कहता है कि उच्च के चंद्रमा है तो भी व्यक्ति को खराब फल ही मिलेगा, चाहे उच्च के बैठे हों। लेकिन आठ नंबर या फिर वृश्चिक राशि के साथ चंद्रमा नीच के माने जाते हैं तो यहां पर ऑब्वियसली अपनी महादशा अंतदशा में खराब फल जातक को मिलता है। अब दोस्तों हमने ये जाना कि किन नंबर से किन राशियों के साथ अच्छे और किन नंबर से किन राशियों के साथ खराब फल। अब हम ये जानते हैं कि क्या अच्छे और क्या खराब फल। सबसे पहले हम अच्छे फलों की चर्चा करते हैं। दोस्तों चंद्रमा यदि नवे घर में नाइन्थ हाउस में बैठेंगे और यदि अच्छे नंबर से अच्छी राशियों के साथ बैठेंगे, जो चार नंबर या चार राशियां मैंने आपको बताई, उन नंबर से उन राशियों के साथ चंद्रमा बैठेंगे तो जातक को अच्छे फल कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो हम ये जाने कि नवा घर क्या है, नाइन्थ हाउस क्या है। दोस्तों नाइन्थ हाउस से आपका भाग्य, आपके भाग्य, आपका लक, आपकी डेस्टिनी, आपका, आपके पिता का स्थान, आपके धर्म का स्थान, आपके हायर एजुकेशन का स्थान, आपके अध्यात्म का स्थान, आप जो अध्यात्म में लगे रहते हैं या फिर अध्यात्म से मुखी विमुखी हो जाते हैं, अध्यात्म से दूर हो जाते हैं, उसका नवा घर है, नाइन्थ हाउस है। तो यदि चंद्रमा यहाँ पर अच्छे बैठे होंगे तो व्यक्ति का भाग्य बहुत साथ देगा चंद्रमा की महादशा अंतदशा में। व्यक्ति जो भी करना चाहेगा, नौकरी लगना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, सामाजिक उन्नति चाहता है, या जो भी फिर उसका एम है, जो भी उसका ध्येय है, उसमें व्यक्ति को सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाग्य साथ देगा। व्यक्ति को कर्म तो जरूर करना पड़ेगा लेकिन भाग्य भी उसका जब साथ देगा तो व्यक्ति चहुमुखी उन्नति कर जाएगा, जो भी कार्य वो चाहता है उसमें। व्यक्ति के पिता से संबंध अच्छे होंगे, पिता की व्यक्ति रिस्पेक्ट करने वाला हो जाएगा, पिता से व्यक्ति को बहुत लाभ होगा।
साथ ही साथ व्यक्ति धर्म को मानने वाला होगा, व्यक्ति अध्यात्म को मानने वाला होगा, अध्यात्म में व्यक्ति की रुचि होगी। यदि व्यक्ति स्टूडेंट है तो हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन का मतलब ये होता है बैचलर और उसके बाद फिर मास्टर्स डिग्री और फिर उसके बाद में जो पढ़ाई लिखाई की जाए उसे हायर एजुकेशन कहा जाता है। तो उसके लिए भी ये चंद्रमा का नाइन्थ हाउस में बैठना अच्छा, बैठना बहुत अच्छा माना जाता है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो इस तरह से चंद्रमा अपने बहुत अच्छे फल देंगे। यहां से जब चंद्रमा अपनी दृष्टि थर्ड हाउस में डालेंगे, चंद्रमा की नवी सातवीं दृष्टि नाइन्थ हाउस से थर्ड हाउस पे जाएगी, थर्ड हाउस से आपका पराक्रम, तो व्यक्ति का चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा में पराक्रम बढ़ जाएगा। साथ ही साथ व्यर्थ की भागा दौड़ी का भी तृतीय हाउस है, तो चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा में उसकी बहुत ज्यादा भागा दौड़ी नहीं होगी, और यदि भागा दौड़ी होती भी है तो उससे उसे लाभ मिलेगा। भागा दौड़ी करना गलत बात नहीं है, भागा दौड़ी तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन उससे उतना या उससे ज्यादा लाभ मिले ये महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति को उतना या उससे ज्यादा लाभ मिलेगा, उसका पराक्रम, उसका साहस बढ़ा चढ़ा रहेगा, छोटे भाई बहनों से अच्छी बनेगी, छोटे भाई बहन उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट करने वाले होंगे। तो इस तरह चंद्रमा अपने बहुत अच्छे फल देते हैं जब चंद्रमा नाइन्थ हाउस में होंगे और अच्छे होंगे। लेकिन यदि चंद्रमा खराब है तो क्या करेंगे, इसका विपरीत, चंद्रमा यदि खराब बैठे हैं तो व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे पाएगा, व्यक्ति जो भी करना चाहे उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी, उसे लगेगा यार मैं इतना काम तो कर रहा हूँ, इतना हार्ड वर्क तो कर रहा हूँ, लेकिन ये काम बन क्यों नहीं पा रहा। तो इस तरह का फीलिंग उसके दिमाग में कहीं ना कहीं घूमते रहेगा, चाहे वो नौकरी करे, चाहे व्यवसाय करे, चाहे कुछ भी कार्य करे, चाहे सामाजिक कार्य करे या जिंदगी का कुछ भी कार्य करे, उसे प्रॉब्लम्स इस तरह की महसूस होती रहेगी। हो सकता है पिता से उसकी दूरी हो जाए, पिता के स्वास्थ्य के लिए ये समय अच्छा ना हो, पिता और पुत्र के जो संबंध है उसके लिए ये समय अच्छा ना हो, पिता से ओवरऑल कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ व्यक्ति का धर्म के प्रति भी रुझान थोड़ा कम हो सकता है, या विश्वास थोड़ा सा उठ सकता है, विश्वास थोड़ा सा धर्म से डगमगा सकता है, अध्यात्म से भी थोड़ा विश्वास डगमगा सकता है चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा में। हायर एजुकेशन यदि व्यक्ति करता है, स्टूडेंट या छात्र है, तो वहाँ पे उसे ऑब्स्टिकल्स होती है, वहाँ पे परेशानियाँ जाती है हायर एजुकेशन को अच्छी तरह से पास करने में, अच्छी तरह से जो भी उसका एम है, जो भी उसका अंक लाने का एम है, उस तक जाने में उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से चंद्रमा अपने खराब फल देते हैं। जब चंद्रमा अपनी दृष्टि तृतीय भाव में डालेंगे तो व्यक्ति के पराक्रम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, साहस में कमी आएगी, साथ ही साथ व्यर्थ की भागा दौड़ी व्यक्ति के लग जाएगी, और उतना काम, उतना जो वो व्यक्ति चाहता है उसके बदले में प्रॉफिट, उतना प्रॉफिट उसे नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये की भागा दौड़ी करी, 50 रुपये का ही हमको प्रॉफिट हुआ। इस तरह से चंद्रमा अपने फल यहाँ पर बना देंगे। छोटे भाई बहन से या तो व्यक्ति की दूरी हो जाए, या फिर छोटे भाई बहनों के लिए यह समय अच्छा नहीं रहेगा, या फिर छोटे भाई बहन और उस व्यक्ति के बीच का जो संबंध है उसके संबंधों को देखते हुए भी यह समय अच्छा नहीं रहेगा। तो इस तरह से चंद्रमा अपने खराब फल देते हैं। अब दोस्तों यदि यहां पर चंद्रमा खराब बैठे हैं तो चंद्रमा का जो रत्न होता है मोती, बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, चंद्रमा देवता का एक मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र की एक माला का जप आपने जरूर करना चाहिए। चंद्रमा देवता के जो खराब फल मिल रहे हैं आपको जरूर शांति मिलेगी। और यदि चंद्रमा देवता 8 नंबर या वृश्चिक राशि के साथ बैठे हैं, क्योंकि 8 नंबर या वृश्चिक राशि के साथ चंद्रमा देवता नीच के हो जाते हैं, और यदि चंद्रमा देवता का नीच भंग नहीं हुआ, नीच भंग राजयोग की स्थिति नहीं बनी, तो चंद्रमा देवता यहाँ पर अपने खराब फल ही देंगे। तो चंद्रमा देवता का यहाँ पर मंत्र करना बहुत जरूरी है। हाँ, यदि चंद्रमा देवता अच्छे बैठे हैं तो चंद्रमा देवता का रत्न मोती या पर्ल जरूर धारण किया जा सकता है, धारण कीजिएगा भी, उससे आपको आपके भाग्य में और भी साथ साथ चंद्रमा जिस घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस घर को देख रहे हैं, वो सारी उन्नतियां होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात की कि चंद्रमा नाइन्थ हाउस में नवे घर में होंगे तो किन राशियों के साथ अच्छे फल देंगे, किन राशियों के साथ खराब फल देंगे, क्या अच्छे और क्या खराब फल देंगे। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।